दुमका में दिल दहला देने वाली घटना के 11 दिन के बाद स्थानीय विधायक बसंत सोरेन आज पेट्रोल कांड की पीड़िता से मिलने उसके घर पहुंचे। बसंत सोरेन पेट्रोल कांड की पीड़िता के परिजन से मिले, उनकी बातों को सुना, अपनी संवेदनाएं प्रकट की। ये सारा काम बंद कमरे में हुआ। वहां से निकलने के बाद बसंत सोरेन मीडिया के सवाल का जवाब नहीं देते हुए निकल गए। उन्होंने कहा कि पहले रानेश्वर जाएंगे और रानेश्वर से आ करके अपने घर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, वहीं पर वो सवालों का जवाब देंगे। बसंत सोरेन के आगमन पर, स्थानीय विधायक के आगमन पर पूर्व मंत्री लुईस मरांडी ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि इस घटना के इतने दिन के बाद वो घरियाली आंसू रोने आए हैं। सुनिए क्या कहना है पूरे मामले पर पूर्व मंत्री लुईस मरांडी का। जा रहे होंगे, आज कितना दिन हुआ पीड़िता के मरने के बाद या उनके हत्या करने के बाद, कितना दिन हुआ, उनकी नींद आज खुली है क्या? उनकी नींद आज खुली है क्या? जब सारा दुनिया सारा काम कर लिया तो वो अभी मगरमच्छ का आंसू बहाने क्या आए हैं? दिखावे के लिए काहे के लिए आए हैं? इसीलिए अब आने से कुछ नहीं होने वाला है। विधायक जी, आपने महिलाओं के विषय में आपके मन में जो सोच है अपने अपने वाणी के माध्यम से महिलाओं को सुना दिया है और दिखा दिया है। निसंदेह पूरे देश के लोग दुमका पहुंचे, बसंत सोरेन का आने में थोड़ी विलंब हुई। उस बीच जो उनका बयान आया था, उस बयान को लेकर काफी आलोचना है। अब देखना है प्रेस कॉन्फ्रेंस में बसंत सोरेन क्या बोलते हैं। लगातार लाइव के लिए दुमका से रूपम किशोर। We'll be right back.